चाहेंगे, पहले आप मुंबई की राह पर थे लेकिन अब आप दिल्ली की राह पर चले गए, क्या कुछ आपको आइडिया आया कैसे आप दिल्ली और सुल्तान बनाने की, सुल्तान ऑफ दिल्ली बनाने का सोचे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम कहानी नहीं ढूंढते हैं, कहानी हमको ढूंढ लेती है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी तो मुझे बिल्कुल एक मेरे थॉट में था नहीं कि मैं मुंबई अंडरवर्ल्ड पे कुछ बनाऊंगा, लेकिन एकता ने एक आइडिया मेरे सामने रखी और फिल्म बन गई। उसी तरह इस जर्नी की भी जो शुरुआत थी वो एक नावल से हुई जिसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। वो नमित शर्मा मेरे प्रोड्यूसर मेरे सामने, उन्होंने मुझे किताब दी और मुझे किताब बहुत पसंद आई और वहाँ से बस सफ़र शुरू हो गया। आप अगली बार कहेंगे तो हम हैदराबाद चले जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे। वेब सीरीज को बनाने में 3 साल लगे। हाँ जी। और एक आप एक नॉवेल से एक स्टोरी बना रहे तो एक कितना डिफिकल्ट होता है कि नॉवेल में बहुत सारी बहुत चीज़ें लिखी होती लेकिन उसको एक स्टोरी में बताना, एक वेब सीरीज में बताना? हमने नॉवेल को एक्चुअली ब्रेकअप किया है 3 हिस्सों में, जो हम 3 सीजन बनाएंगे इस शो के। और मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगा आसान हो जाता है क्योंकि आपसे पहले किसी ने 2-3 साल सोच अपनी लगाई है, मेहनत की है और जो कहानी के जो फाउंडेशंस होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, बिगनिंग मिडिल एंड जो सब होते हैं, वो किसी ने सोच समझ के रखे हैं, तो उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए जब, क्योंकि आपके पास उस चीज़ के राइट्स हैं। और क्योंकि बहुत ही अच्छी नॉवल है तो मज़ा आया उसे अडेप्ट करने में। ताहिर सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने काफ़ी हिट मूवीज़ दिए लेकिन अब आप सुल्तान बनने की चाह में लगे हुए हैं, तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? अभी वो तो हमें बाद में पता चलेगा आप सुल्तान बन रहे हो या नहीं, लेकिन अभी आपकी चाह तो वही है कि मुझे सुल्तान बनना है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, बहुत ही खास। मैं ओरिजिनली दिल्ली का हूँ और एक शहर छोड़ना और मुंबई आना सुल्तान बनने की राह में, और आपको इवेंचुअली 10 साल बाद एक ऐसा शो मिले एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जिनका काम देखकर आप बड़े हुए हैं, ये बहुत ही खास है। और एक ऐसा किरदार मिले जिसमें इतने सारे शेड्स हों, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, दोस्ती हो, प्यार हो, साथ साथ में विंटेज गाड़ियाँ, एक 60s का लुक, एक्शन, बंदूकें, तो ये ऑलमोस्ट एक बचपन का सपना है जो 13 अक्टूबर को पूरा होगा। जैसा आप बोला, आप बेसिकली दिल्ली से ही हो, तो जब आप ये वेब सीरीज बना रहे थे तो आपको क्या क्या यादें ऐसे ताज़ा हुई है दिल्ली, सुल्तान ऑफ दिल्ली बनाते हो? दिल्ली मतलब एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में एक किरदार है इस कहानी में, सुल्तान ऑफ दिल्ली में। ये हम जो सीरीज़ है ये ऐसे लोगों के बारे में है जो सपने देखते हैं और एक इंडस्ट्री में आए हैं बाहर से और कुछ अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पर्सनल लेवल पर मैंने बहुत रिलेट किया बिकॉज आई केम टू बॉम्बे विद ड्रीम्स टू बिकम समवन एंड सो सिमिलर टू व्हाट अर्जुन इज इन सुल्तान ऑफ दिल्ली एज़ वेल। अंजुम सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपके करियर की शुरुआत टेलीविजन से हुई थी लेकिन अब आप ऐसे वेब सीरीज दे दिए हो, इतने हिट हिट वेब सीरीज दे दिए हो और अब मिलन सर के वेब सीरीज में काम करने कर रहे हो, तो आप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब मुलाकात हुई मिलन सर से, मिलन सर ने मुझे बुलाया काम के लिए, मतलब इस शो के लिए उन्होंने मुझे इसकी कहानी सुनाई। और मेरे लिए, जैसा कि मैं मानता हूँ हर एक्टर के लिए, जो भी वो अपना काम करता है वो अपने अपनी अपनी दिशा में अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है और उसके सामने एक ऐसा एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट आता है जहाँ पर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, वो स्पेस क्रिएट की जाती है जहाँ पे आपके पास एक स्केल, एक पैलेट, एक कैरेक्टर, एक इमेज खड़ी होती है। और सिनेमा में इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम कोई भी कहानी देखते हैं उसको इमेज के फॉर्म में देखते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफ़ी अरसे तक रहता है। जैसे मुझे बचपन से मुझे याद है मैंने कच्चे धागे देखी थी, तो उसकी उसकी इमेज मेरे साथ आज तक है। तो वो समय जब मैं
ऐसे इंसान से, ऐसे डायरेक्टर से जिसका मैंने इनका इतना फॉलो किया, उनसे मिलना और एक ऐसा ऐसा स्केल और ऐसी कहानी, ऐसा किरदार पाना, वो अपने आप में बहुत बड़ा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और एक ऐसा एक्सपीरियंस बना वो जिसमें आपके पास इतने सारे लेयर्स हैं, और उसमें कमाल की बात ये थी कि आपके लिए इतनी खुशी का मौका ये होता है कि जो काम आपने पहले किया है, अक्सर देखा गया है कि उसी तरह का काम फिर आपको आगे होता रहता है, लेकिन ये कैरेक्टर और ये किरदार इतना अलग है जो मैंने पहले किया है, तो मुझे उसको उसको देखने में, उसको पाने में बड़ी खुशी महसूस हुई। और एक जिम्मेदारी भी थी कि जो चीज़ मिली है उसको सही तरीके से आप कर पाएँ। तो ऑल एंड ऑल एक ऐसा, और फिर ये तो काम की बात है, अब मतलब मिलन सर के साथ जब आप बैठेंगे तो उनके पास इतनी सारी कहानियाँ, किस्से और मटीरियल हैं। और मेरा पर्सनली बड़ा मन रहता है कि जैसे आपने काम तो कर लिया, लेकिन सिनेमा में इतने सालों में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप किसी इंसान के ऐसे संपर्क में आते हैं कि आप कितना कुछ जान सकते हैं। तो मेरे लिए तो ऐसा होता था कि वो एक दिन जो हमें मिलता था शूट का, तो शूट की जितनी भी काम है बातें वो गई, अब ये दूसरी बातें कि यहाँ पे क्या था, वो क्या था, जिससे कि आप आपका एक्सपीरियंस और आपके पास इतनी चीज़ें होंगी बाय द टाइम आप इस प्रोजेक्ट से बाहर जाएंगे। तो मेरा उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था, हमने बहुत बढ़िया समय बिताया। तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू इस एक्सपीरियंस के। ताहिर से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे कि हमने ट्रेलर देखा है कि दो दोस्त साथ में सीरीज़ की शुरुआत करते हैं, फिर काफ़ी एडवेंचरस है, ट्रेन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस ये स्टोरी किस तरीके से होगी? क्योंकि नॉर्मली इतने सारे वेब सीरीज़ आ गए, स्टोरी इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट कि काफ़ी ऑडियंस को कनेक्ट करे और रियल स्टोरी रहे, तो आप बता सकते हैं कुछ कि ये स्टोरी कहाँ तक लेके जाएगी? दो फ्रेंड जो दो दोस्त है वो एंड में भी दोस्त रहेंगे या क्या होने वाला है? ये तो आपने काफी स्पॉइलर मान लिया। अगर मैंने इसका सही जवाब दे दिया आपको तो शायद मैं अगले इंटरव्यू के लिए यहाँ ना बैठा हूँ। पर सही पहचाना आपने, दोस्ती एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस सीरीज का। इट वाज सच फन टू शूट, क्योंकि जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा, हम एक ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं और सर की एक मतलब जो इनकी पहली पिक्चर थी कच्चे धागे, उसमें बहुत मशहूर ट्रेन के सीक्वेंस हैं, और वो शूट करते वक्त हम अमृतसर में एक स्टेशन था जो पाकिस्तान से लास्ट स्टेशन है, वहाँ पर शूट कर रहे थे और बहुत प्रोडक्शन हैवी दिन था। पर वो गर्मी में लेदर जैकेट पहन के ट्रेन के ऊपर अगर आप बैठे हैं और मतलब पसीना, पर एट द एंड ऑफ द डे जो एक वो ख्याल था कि यार ये हमारा कच्चे धागे वाला मोमेंट हो गया। तो जब मतलब एक बचपन की याद है वो आप एक्चुअली उसको हकीकत में ऑन कैमरा जीते हैं, तो एक बहुत ही स्पेशल एडवेंचर जो कि आप 13 अक्टूबर को देखेंगे, जिसका अंत आपको जल्दी पता लग जाएगा। ओके सर। प्रिया मैम आपसे पूछना चाहूँगी, आपके जितने भी किरदार हमने देखे